बीते दिनों भारत ने मंगलयान पर पहुंचकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कार्टून प्रकाशित करते हुए भारत की सफलता पर तंज कसा था। लेकिन अब इसके कुछ दिनों बाद ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए ये कहते हुए माफी मांग ली कि वह भारत पर संदेह व्यक्त करने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि उसका मकसद ये उजागर करना था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल संपन्न पश्चिमी देशों का विशिष्ट क्षेत्र नहीं रह गया है। आपको बता दें, एनवाईटी के संपादकीय पृष्ठ के संपादक एंड्रयू रोसेनथाल ने फेसबुक पोस्ट पर कहा, बड़ी संख्या में पाठकों ने अंतरराष्ट्रीय न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हालिया संपादकीय कार्टून के बारे में शिकायत की थी, जो अंतरिक्ष अभियान में भारत के प्रवेश के बारे में था। उन्होंने कहा कि हम इस कार्टून में चित्रों के चयन से आहत पाठकों से माफी मांगते हैं। हैंग ने किसी भी तरह से भारत, उसकी सरकार या उसके नागरिकों पर संदेह करने का प्रयास नहीं किया है। हम इस बात की भी सराहना करते हैं कि पाठकों ने अपनी प्रतिक्रिया को साझा किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। याद हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा था, जिसमें मंगल पर पहले पहुंच चुके एलीट स्पेस क्लब के लोग अखबार में भारत के पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने की खबर पढ़ रहे हैं, और भारत का प्रतिनिधि उनके कमरे के बाहर गाय के साथ खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट।